पहले हमें ये जानना होगा कि ये राक्षस फिर से कैसे जिंदा हो गया। रे अंगूठी, ये तो बता किसने की है राक्षस को जिंदा करने की खता। अरे ये तांत्रिक कौन है? इसका पता चल जाएगा महाराज। राक्षस राज खरासुर, मैं आपके सेनापति उलुप का पौत्र हूँ। तुम्हारी इस वफादारी को हम याद रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस इंद्र से बदला लेना है। नहीं राक्षस राज, इंद्र से लड़ने से पहले आपको इस राज्य के राजा विक्रम से निपटना होगा। उसके होते आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी उस विक्रम को खत्म करके उसके राज्य को कब्जे में लेता हूँ। तो ये है सारी कहानी, लेकिन हम इस राक्षस को खत्म कैसे करेंगे? मुझे लगता है इसका उत्तर हमें इंद्रदेव के पास ही मिलेगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल वज्र से ही हो सकती है। ये लो वज्र। तो इसका प्रयोग केवल एक बार ही हो सकता है। इंद्रदेव, उस दुष्ट राक्षस का वध एक ही बार में हो जाएगा। ये दोनों कहां छिप गए हैं? तो आ गए चूहे पिंजरे में। इनसे इंद्र का वज्र मैं छीन कर रहूंगा और फिर उसी वज्र से उस इंद्र को मारकर अपना बदला लूंगा। दुष्ट राक्षस ने हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया है। आखिर ये चाहता क्या है मुंजा? इंद्र का वज्र। तो ये बात है, मैं अभी तेरा खात्मा किए देता हूँ। महाराज, उसके पैरों को देखिए, ये खरासुर नहीं उसका माया जाल है। आप एक बार ही वज्र का प्रहार कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हमें असली खरासुर को ढूंढना ही होगा।
तब ये वज्र हमारा हुआ। इंद्रदेव को हमसे कोई नहीं बचा सकता है। छोड़ो, महाराज चूहा फंस गया।